थाना उत्तर क्षेत्र केएनएच 2 नगला भाव के पास अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा रोड पर जाम लगाया। कहा चार दिन से गर्भवती गाय नगला भाव पर पड़ी हुई थी। गौ सेवकों द्वारा कई बार नगर निगम कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मामला है थाना उत्तर क्षेत्र के नेशनल हाईवे नगला भाव का है, जहां अंतर्राष्ट्रीय गौ सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने गर्भवती बीमार गाय को इलाज न मिलने को लेकर रोड पर लगाया जाम। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। गौ सेवक रोहित यादव का कहना है कि 15 से 20 दिन से लगातार गायों को देख रहे हैं। 3 घंटे पहले नगर निगम में कंप्लेंट की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 घंटे से बीमार गाय पड़ी हुई है जो कि गर्भवती है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, नहीं कोई आया कहां। ऐसो उत्तर नरेंद्र शर्मा ने कहा है कि गाय को उठवाकर इलाज कराएंगे। रोजी ये जाम क्यों लगाया था, क्या परेशानी क्या है? 15-20 दिन से लगातार गायों को देख रहे हैं, रात के 12-12 बजे तक सेवा कर रहे हैं और हमने 3 घंटे पहले नगर निगम में कंप्लेन की थी, अभी तक ना वहाँ से कोई कैटल कैचर आई है। वो बोल रहे हैं डॉक्टर से बात करो तब हम गाय उठवाएंगे, इसको लेकर हमने यहाँ पर जाम लगाया था। क्या परेशानी क्या है गाय को? गाय उठ नहीं पा रही है, 3 दिन से गाय यहीं पड़ी हुई है और 5 महीने की ब्याने वाली है, यहीं पड़ी हुई है। तो ज्यादातर ऐसी गायें बहुत सी हैं, किस तरीके से आप उनको मैनेज करते हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टरों को हम बुलाते नहीं, हमारे लड़के वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए थे हॉस्पिटल में, वहाँ से हमने ट्रीटमेंट की इनको जानकारी दिलवाई है, लड़के अपने आप ट्रीटमेंट करते हैं सभी। अब SHO उत्तर ने क्या कहा है आपसे? वो आश्वासन दिया है कि गाय का इलाज वो अपने रिस्क पे कराएंगे, बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाम हटाएं और इलाज हम करवाएंगे, हम गाय को उठवाएंगे यहाँ से। तो इनके कहने पे, इनके आश्वासन पे, SHO जी के आश्वासन पे हमने यहाँ पे जाम खत्म करवा दिया है और अब देखते हैं गाय का इलाज होता है।